अच्छा बेटा, हमारे पास आज है चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम 5, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। पहले मैंने आपको बताया था कि जो कॉमा होता है, कॉमे से पहले वाला हिस्सा हम गिवन में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो कॉमे दिए गए हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ये भी गिवन में आएगा। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, ये भी गिवन में आएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन होता है ये प्रूफ में होता है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। सबसे पहले पहले जब भी थ्योरम आप प्रूव करो, थोड़ी सी चीजों के बारे में आपके बारे में पता होना चाहिए। इस चीज का मतलब आपको पता है, मतलब बाइसेक्टर एक होता है दो टुकड़े करना, के डिवाइड इन टू पार्ट्स, दो टुकड़े ये भी है मार्क करके, है ना, लेकिन दो टुकड़े क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इन दोनों को इस तरह से कट किया जाए, जैसे यहां से मैंने पकड़ा हुआ है, कि दोनों इक्वल हो जाए तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। बस समझ आई? क्योंकि यहाँ बाइसेक्टर का आ गया है, तो अब इसको हम यूज कैसे करेंगे मैथ की लैंग्वेज में। जैसे मेरी बेटी कह रही है कि मुझे समझ नहीं आती इस एक लाइन की, अब उसी एक लाइन के बारे में बताते हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, यानी सबसे पहले पहले मुझे क्या चाहिए, पॉइंट, लेकिन पॉइंट कहाँ चाहिए, तो मुझे एक एंगल बनाना पड़ेगा। मैं एक एंगल बनाता हूँ, ये मेरे पास एक एंगल है सर, कोई सा भी एंगल, कोई सा भी एंगल बना दो, क्योंकि उसने एंगल पर पाबंदी नहीं लगाया, एंगल पर पाबंदी नहीं लगाई। एंगल के नेम ऐसे लिखूंगा जो आपकी बुक में लिखे होंगे, ताकि आप बुक से याद करते हैं तो आपके लिए मुश्किल ना हो, वरना आप अपनी मर्जी से भी एंगल के नेम दे सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों का नाम, जैसे भतीजा, जैसे भाई, आपके माँ बाप कोई और नाम रख देते तब भी कोई मुश्किल तो नहीं जाना, तो यहाँ भी आप इन्वेंशन कर रहे हैं, तो आप कोई भी नाम रखो, ए बी सी चलता है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स बुक से प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए बुक पर नाम लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। अब उसने क्या है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, अभी मैंने एंगल बनाया है, अब वो कहते हैं इसके अंदर एक पॉइंट लें, लेकिन जब पॉइंट लें तो इस बात का ख्याल करें कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब ये अगर ये पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं ना, तो ये पॉइंट इसके करीब ज्यादा इससे दूर है, सूटेबल नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ते हुए जैसे आपको पता कैसे चलता है, तो उसी लाइन को देखें। पहले उसने कहा कि एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल, पहले मैंने एंगल बनाया, एंगल बनाने के बाद जो पॉइंट लेना है, अगर वो पॉइंट मैं यहां लेता हूं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करता, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, एंगल के आर्म हमारे पास ये है, ये एंगल है और ये उसके आर्म है, यानी जो पॉइंट लेना पड़ेगा वो हमें रफ एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन पता फिर भी चले कि दोनों बीट में है, ये भी ना हो कि अंधे नजर आए कि यार ये पॉइंट की ड्रिंग है, ठीक है ना। दो पॉइंट मैंने यहाँ ले, अब मैंने जो यहाँ तक मतलब है मैंने काम किया है, उसको मैंने गिवन के अंदर कन्वर्ट करना है, कि ये चीज मुझे पहले से बता दी है, अब सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। गिवन में क्या बताएं, सबसे पहले पहले क्या है, एंगल ए ओ बी, इन एंगल ए ओ बी पी इज अ पॉइंट, अब ये पी उसने कहा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, इसका आर्म ये है, अगर आर्म ये है तो इसका मतलब क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी, कह सकते हैं नहीं कह सकते, दादा बी 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 पी सॉरी ये पी है, बी पी कह सकते हैं ना, क्यों कह सकते हैं, क्या बताइए कि आपके पास एल हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है। L-O या T की शेप हो, वो भी परपेंडिकुलर शेप है, मैं अगर जमीन पे खड़ा हूं तो मैं परपेंडिकुलर हूं जमीन के ऊपर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मुराद ये हुआ कि आपके पास यहां से जो आप यूं लेंगे डिस्टेंस, तो यहां पे शेप थोड़ी सी हो सकती है मैच ना करे, L शेप बने, और यहां से भी आपके पास ये शेप L बने, और ये दोनों फासले हमारे पास बराबर है। सर, हमने इसको B के साथ क्यों नहीं किया? बेटा B आपके पास ले भी सकते हैं, इधर इस जगह पे आप चाहे ले सकते हैं, वरना आपके पास ये फासला, ये तो पूरी एक लेंथ है ना, हमने लिया आर्म से फासला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मैंने बताया ना
कि अगर मैं कहता हूँ मैं इस दीवार से कितना दूर हूँ, अब ये दीवार तो वहां तक जा रही है, तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पॉइंट बनेगा, किसी और पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि लेंथ है ना। अब मेरी लेंथ अगर मैंने डिस्टेंस लेना है तो ये लेंथ है, लेकिन ये दीवार तो यहाँ जाकर खत्म हो रही है ना, तो लाजमी नहीं है कि मैं इसी पॉइंट को रखूँ। तो इधर जो पॉइंट है मैं अपनी मर्जी से नाम चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमने बताया कि ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाजमी नहीं है कि आपके पास उस कॉर्नर पे बने, जैसे मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे उसने पॉइंट का नाम क्या दिया है, आर एंड क्यू। आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया, आर एंड क्यू दिया, लेकिन हमेशा डिस्टेंस मैंने बताया परपेंडिकुलर लेते हैं, तो आर क्यू ये भी साथ ही गिवन के अंदर ही हमारे पास आ जाएगा कि आर क्यू आपके पास परपेंडिकुलर है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चीज थोड़ी सी करनी है, हमें यहाँ पे इसको शो कराने के लिए परपेंडिकुलर बनाने की लाइन चाहिए ना। यस सर। तो हमें ये बताना है कि आर क्यू परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ओपी पे, और पी क्यू परपेंडिकुलर है ओपी। हाँ, ओपी। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा, पी क्यू परपेंडिकुलर अगर ओबी पे ले रहा हूँ तो इधर भी ओ ए पे लिखे, आर क्यू पी आर होती है, आर क्यू को लेना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा देखो पी आर परपेंडिकुलर लिखना था और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, आर क्यू, आर क्यू ओ बी पे है, आर क्यू नहीं, सॉरी दोबारा लिख लेंगे, तो डायग्राम की तरफ देखा नहीं लिख वैसे दिया, ये है पी आर परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ओ ए पे। देखा यही गलती करवाते बच्चे, परपेंडिकुलर है ओ ए पे, पी क्यू ओ बी पे, ओ बी डी पर। अब बात समझ आई, यस सर, क्योंकि इसको फिर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर बाद में यूज कर लेंगे, ये वाली चीज हमने कंस्ट्रक्शन में शो कर देनी है, क्योंकि वही चीज मैं आपके पास। अब टू प्रूव क्या कर रहा है, हम टू प्रूव पे आते हैं, टू प्रूव ने क्या कहा है, इज ऑन बाईसेक्टर ऑफ इट, यानी दो हाफ हिस्सों में डिवाइड करता है, इट मींस दैट यही सेम चीज लिख देंगे टू प्रूव के अंदर के पी इज ऑन बाईसेक्टर ऑफ इट। To prove के अंदर हमें क्या लिखना है, जैसे उसने कहा ना on the bisector of it, P point P, P is on bisector sector of angle AOB। सर ये हमने O middle में लिखना है, जहाँ joint होता है उसे center लिखते हैं। Angle हमेशा वो होता है जब दो point किसी के जाके joint करते हैं। Construction में क्या कर देना, joint कोशिश किया करो, जब भी आपके पास दो ट्राइंगल बने तो दो ट्राइंगल को कंग्रेंट शो किया करो। अगर जरा गौर से देखो, एक ट्राइंगल ये बन रही है, और दूसरी ट्राइंगल सर एक है OPQ। अब इन दो ट्राइंगल को जब कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो साइन यूज की जाती है, करेस्पोंडिंग चेक करते हैं दोनों की आपस में, और आपके पास मैथ में इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, तो ओ पी आर। सर हमने पी क्यू मिडल में पी ओ, क्योंकि पी कॉमन है, पी ओ आर। एक सेकंड मैं लिख लूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देता हूं। O P Q, और फिर सर आगे हम लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं दरमियान में सवाल के जवाब दूं यहां लिखा बदल जाता है। जी अब बताओ सवाल क्या था, बेटर ट्राइंगल जिस तरह से लिखो चलता है, ट्राइंगल को जिस तरह से लिखो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब एंगल लिखो तो जहाँ ज्वाइंट कर रहा है वो लाजमी लिखो, क्योंकि ट्राइंगल में यहाँ भी ज्वाइंट है, यहाँ भी ज्वाइंट है, यहाँ भी ज्वाइंट है, तो ट्राइंगल आप लाजमी तौर नहीं है कि मैं ओ पी आर लिखूं, आप पी ओ आर भी लिख सकते हो, एक्सेप्टेबल है, आर पी ओ भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्लियर? यस सर। जी सर, अभी हम पी को कॉमन लेंगे ना? नहीं, पी को हम कॉमन नहीं लेंगे, हमने जो इस पर देखना है तीन कंपोनेंट इस ट्राइंगल के इक्वल हो, लेकिन उसके अंदर ये चीज नहीं लेंगे जिसको हमें प्रूफ करना है। ओके सर। क्योंकि हमने प्रूफ ये करना है कि ये इक्वल बाईसेक्टर है, बाईसेक्टर का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, हमने ये प्रूफ करना है। इसके अलावा आपने तीन कंपोनेंट ढूंढने हैं, दोनों ट्राइंगल में सेम सेम हो, उसकी रीजन भी बतानी है। ओके, पी क्यू ओ
PQO और PRO बराबर है, ठीक है? रीजन बताओ। रीजन हमें इससे मिला एंगल PQO कंग्रेंट है एंगल PRO। रीजन क्या है? कॉमन नहीं कॉमन और कोई वजह दादा? एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल तो है लेकिन ये बात हमने की कहां पे है? ये बात हमने गिवन में की थी कि ये परपेंडिकुलर है। यस सर, इट इज अ परपेंडिकुलर। का मतलब क्या है? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री वाली बात हमने कहां पे की है? गिवन में। गिवन में तो यहां पे रीजन का लिख लिया गिवन। तो मैथमेटिकल हो गया ना। अगला पॉइंट ढूंढो सर। इसमें सर ए ओ बी इज पर बी ओ जो है दोनों में कॉमन है राइट? आपके पास कोई सेम चीज आ रही है वजह ये भी क्या है गिवन है क्योंकि ये बात हमने यहाँ पे कही है कि आपके पास के आपके पास पी आर क्योंकि उस वक्त हमने क्या लिखा था ए पी उस वक्त यहाँ पे नाम चेंज था तो यहाँ पे कोई नाम लिखें जो उस वक्त हमने ए लिखा हुआ था तो पी आर कंग्रेंट टू आपके पास क्या है पी क्यू क्योंकि उस वक्त हमने एंगल ए यहाँ लिखा हुआ है लिखा हुआ है तो ये बात हमें क्या पता है गिवन पता है जब तीन कंपोनेंट इक्वल हो जाए तो ये साइन रिमूव कर देनी है इसकी जगह साइन कौन सी लगानी है कंग्रेंट कंग्रेंट की साइन लगानी है तो वही सेम लिखिए ट्रायंगल इज कंग्रेंट टू ओपीक्यू ट्रायंगल ओपीक्यू एंगल इन ट्रायंगल ट्रायंगल रीजन में क्या लिखेंगे जो बुक ने तो लिखा है कि एचएस एचएस का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज 90 को खुद आ जाता है आप यहां लिख सकते हो दो साइड और एक एंगल है सर, तो आप इसके बाद साइड एंगल साइड पास यस सर साइड एंगल साइड अब दो जब दो ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाए साइड एंगल साइड पास जो लेके रूल होता है जैसे आपके पास है ना जो रूल है कि दो साइड और एक एंगल कंग्रेंट हो जाए तो ट्रायंगल कंग्रेंट होते उसी वजह से हम इसको कहते हैं साइड एंगल साइड पास जो लेके लिख सकते हैं साइड एंगल साइड साइड करके कर सकते हैं अब जो हमने प्रूफ करना था रूल ये कहता है जब ये दो ट्रायंगल कंग्रेंट हैं तो इसकी ये साइड OR और OQ भी कंग्रेंट होगी यस सर लेकिन जो हमें चाहिए तो ये वाला एंगल और ये एंगल भी क्या होगा कंग्रेंट होगा कंग्रेंट होगा इस एंगल को कैसे रीड करेंगे 90 डिग्री नहीं एंगल को रीड कैसे करेंगे लिखेंगे कैसे एंगल एंगल एक सेकंड एक बात में एक बोलेंगे समझ आएगा दो तीन बोलेंगे मुझे समझ आएगा बाकी कैसे ध्यान आ रहा बताओ नहीं एंगल क्या लिखेंगे पी नहीं इट्स नॉट कंप्लीट सर पी ओ आर यानी एंगल दो लाइनों को मिलके बनता है तो लाजमी जो जॉइंट वाली लाइन है आपने दोनों के बारे में बताना है यहां से क्योंकि आपके पास पी ओ आर यहां जॉइंट हो रहा है एक लाइन में एंगल नहीं बनता नहीं ये तो लाइन है सिंपल ये एंगल तो नहीं है यस सर एंगल बनाने के लिए दूसरी लाइन यहां पे जाके मिलेगी तो एंगल बनेगा ना यस तो आपने जहां जो मुझे लाइन मिल रही है उसके बारे में बताना जरूरी है तो आपके पास क्या आ जाएगा एंगल पी ओ आर इज कंग्रेंट है एंगल पी ओ क्यू क्यू और रीजन लिख दीजिएगा कॉरस्पोंडिंग एंगल ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल फिनिश सर कॉरस्पोंडिंग यही प्रूव करना है सर बस हां फिनिश आप क्या मुश्किल है फिर सर ये वाला भी ले लेते हैं सर टेस्ट हां एंगल सर ये भी कर दे रहे हैं चलो बेटा